जय उत्तराखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। मैं हूं कनक बिष्ट। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे शौक बड़ी चीज है, ऐसा शौक जिसने एंटीक पीस की एक अलग ही दुनिया बसा दी। विकास की रफ्तार देखनी हो तो यहाँ चले आइए। बेशक पहली नज़र में आपको ये पुरानी चीज़ों की दुकान लगे या हो सकता है आपको मैकेनिक का दुकान का एहसास हो, लेकिन हकीकत ये है कि एक ऐसा अजायब घर है जिसे देखकर आप तकनीक की तरक्की की नब्ज़ टटोल सकते हैं। ये पूरी तरह से शौक की दुनिया है, क्योंकि कहते हैं शौक बड़ी चीज़ है। यहाँ आपको विश्व युद्ध की मेज़ मिलेगी, कैमरों की दुनिया मिलेगी, अजब गजब तलवारें मिलेंगी, ट्रांजिस्टर मिलेगा तो रेडियो भी मिलेगा। हम आपको इस अजायब घर की हर चीज दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे कैमरे से। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। आज सेल्फी का दौर है, पलक झपकते ही आपका मूड आपके मोबाइल में कैद। लेकिन कभी ऐसा नहीं था। अपनी खूबसूरत तस्वीर के लिए आपको फोटो स्टूडियो जाना पड़ता था, जहां फोटोग्राफर अपने कैमरे के जरिए आपकी तस्वीर खींचता था। तब कैमरे ना तो आपके मोबाइल की तरह छोटे थे और ना आज के दौर की तरह डिवाइस वाले। कैमरों का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि मोबाइल में समाने से लेकर छोटे आकार तक आने के लिए कैमरे ने कई कोस का सफर किया है। 12वीं सदी से जो शुरुआत इराकी वैज्ञानिक इब्न हजैन अल ने की, उसे अमेरिकी वैज्ञानिक जॉर्ज ईस्टमैन ने पूरा किया। इस बीच कई तरह के कैमरे बने जिनमें धातु की प्लेट का इस्तेमाल होता था, लेकिन ईस्टमैन ने फोटो फिल्म का आविष्कार करके कैमरे की न केवल काया पलट दी, बल्कि कैमरे को काफी हद तक आरामदायक और सर्वसुलभ बना दिया। बहरहाल देहरादून के व्यवसायी अमर धुनंदा को कैमरों के संग्रह का शौक है। इनके पास गुजरे दौर के कई ऐसे कैमरे हैं जिनको देखने के बाद भी मोबाइल और सेल्फी वाली नई नस्ल यकीन नहीं कर सकती कि कभी तस्वीरों की दुनिया के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। कैमरे मेरे पास लगभग 300 कैमरे की कलेक्शन है आज के तारीख में, अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग मॉडल के, अलग अलग वर्षों के, 1930-32 से लेके 2000 तक के कैमरे मेरे पास है। और ये कैमरे में एक विशेषता जो है वो खास ये है कि आज जो कैमरे चल रहे हैं, डिजिटल कैमरे चल रहे हैं, उसमें फोटोग्राफर को अपनी एक कला दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता। जिसके पास मोबाइल है वो फोटोग्राफर है, लेकिन उस समय फोटोग्राफर एक विशेषता थी, बड़ी बारीकी से वो काम करते थे, नेगेटिव लगाते थे, प्लेट लगाते थे, नेगेटिव बनता था, नेगेटिव के बाद उसकी टचिंग होती थी, टचिंग के बाद फोटोग्राफ बनता था। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर था। आज क्या है, क्या मोबाइल से फ़ोटो खींची अपलोड कर दी, उसमें भावना नहीं है। जो भावना इन कैमरों से फ़ोटो खींचने में आती थी, आप देखिए किसी घर में पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, उसे को दिखाए तो जब दिखाएगा तो कितना उत्साह से दिखाया वो, कह रहे हम पिकनिक पर गए थे वहाँ पर तो ये फ़ोटो खींची थी, वहाँ रिश्तेदार के घर गए थे वहाँ खींची थी, दोस्त के घर गए थे वहाँ खींची थी। अब क्या है, ये चीज़ें सारी ख़त्म हो गई है। अब फ़ोटो खींची, देखी और डिलीट कर दी, आगे बढ़ा दी। इस ज़माने इन कैमरों ने खींची फ़ोटो से आज भी कई घरों में संभाल कर रखी हुई है। बहरहाल देहरादून के अमर धुनंदा के इस कलेक्शन में आपको 250 से ज्यादा कैमरे मिलेंगे। कई कैमरे ऐसे हैं जो 70 से 80 साल पुराने हैं। इन्हें देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि सहज और सुलभ सेल्फी तक आने से पहले तस्वीरों की दुनिया में दाखिल होना आसान नहीं था। तब तस्वीर निकालने के लिए जटिल तकनीक की दुनिया में दाखिल होना पड़ता था। हालांकि अब ना तो फोटो प्लेटों का दौर है और ना फोटो फिल्म रोल के नेगेटिवों का जमाना। ये कैमरा 1930-35 के आसपास कैमरा, फुल फ्रेम कैमरा ये। इस कैमरे में पहले प्लेट पड़ती थी जो ऐसे है, उसका ये तरीका है। इसमें कैमरे में प्लेट पड़ती, नेगेटिव पड़ता था, फिर फोटोग्राफ फोटो खींचता था, फिर डार्क रूम में जाके जो है इसका फोटो तैयार होती थी।
अब सेल्फी का दौर है, लेकिन ये सेल्फी बता रही है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए यही कैमरे उसकी सीढ़ी बने थे। एक कैमरा कलेक्शन मेरे पास लगभग मैं कर रहा हूँ उनको करीब पिछले 15 सालों से, वो अलग अलग जगह से कई शहर घूमने पड़े मुझे इसके लिए, कई लोगों से मिलना पड़ा, कईयों को कन्विंस करना पड़ा कि भाई अगर आप कैमरा मुझे दे देंगे तो आपके नाम को ही मैं आगे बढ़ाऊँगा कि फलाने व्यक्ति ने मुझे कैमरा दिया था, अदरवाइज ये जो आपकी बेशकीमती चीज़ है आपके ही बच्चे इसे कबाड़ समझ के कबाड़ी को दे देंगे, तो अगर मुझे देते हैं मैं रखता हूँ तो मेरे संग्रहालय में बना कर रखूँगा ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि भाई हम कहाँ थे और आज कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि पुराने सामान से लोगों का मन भर जाता है और वो नई चीज़ों की हसरत पालने लगते हैं, लेकिन देहरादून के अमरधुनंदा को पुरानी चीज़ों से न केवल मोहब्बत है बल्कि उसे सहेजने के शौक भी और उन्हें इकट्ठा करने का जोश जुनून भी है। अमरधुनंदा के इस संग्रहालय में कई बेशकीमती और इतिहास की गवाही देती चीज़ें हैं। क्या हो सकता है, जरा सोचिए, हो सकता है आपका अनुमान सही हो या फिर गलत। बहरहाल लालटेन जैसी देखने वाली ये चीज सच में लालटेन ही है, लेकिन ये मामूली लालटेन नहीं। पाक वार हुआ था 1971 में, तो इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के स्टेशन कैप्चर करा था, तो वहाँ के जो हमारे भारतीय फौजी थे उन्होंने किसी ने कुछ चीज़ लिया अपने निशानी कोई निशानी लिया, तो एक फौजी है सिग्नल लेके आता, सिग्नल ग्रीन रेड लाल, तो जो रेलवे के लिए गार्ड दिखाया करता था। ये लालटेन 1971 के भारत पाक युद्ध की निशानी है, ये इन फौजियों की वीर गाथा का हस्ताक्षर है जिसे उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में किया था। भारतीय फौज की शौर्य गाथा का उजाला बिखेरती ये लालटेन पूर्वी पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन का सिग्नल है जिसे भारतीय सैनिक विजय यादगार के रूप में अपने साथ लाए। बाद में यह सिग्नल वीर फौजी ने जंग आजादी की निशानी के तौर पर सहेजने के लिए अमर धुनंदा को दे दी। सालों साल पुराने कैमरे भारत पाक युद्ध की वीर गाथा बताता रेलवे सिग्नल के अलावा धुनंदा साहब के खजाने में 100 साल पुराना छाता भी है। बेशक इस छतरी का रंग फीका पड़ गया हो, लेकिन यादें ताजी हैं। इस छाते से अमर साहब को बेपनाह मोहब्बत है। दरअसल ये छाता उनके परिवार के आध्यात्मिक गुरु का है। अमर धुनंदा जब भी इस छाते को निहारते हैं उन्हें अपने पारिवारिक गुरु की याद आ जाती है। विशेषता छाते की है कि ये छाता हमारे गुरुजी जिनको मानते हैं, जिनकी जिनके पूजा पाठ हम जिनका करते हैं, स्वामी विष्णुदेव जी महाराज, इस छाते को लेके वो सुबह शाम टहलने जाया करते थे, और ये छाता लगभग 100 से 110 साल पुराना है। और छाते की लकड़ी, इस छाते का कपड़ा, इस छाते की जो अंदर तारें लगी रहती हैं और क्लिप लगे हैं छाता खोलना बंद करने के, सब ओरिजिनल चीज़ें हैं। ये वो इतना बड़ा छाता है कि शायद इसके अंदर 2 या 3 आदमी आराम से आ सकते हैं। तकरीबन रंगहीन हो चुके इस छाते को धुनंदा साहब से अपने बेशकीमती संग्रह में न केवल जगह दी है बल्कि अनमोल सौगात समझकर संभाला हुआ है। धुनंदा से छाते के बारे में पूछो तो वो इसकी बनावट और क्वालिटी की तारीफ कर बैठते हैं। ये छाता करीब 105 साल पुराना है। इसकी बांस की इसकी छड़ी है, बांस की इसकी हैंडल है, और तार का इसका बंद और खोलने वाला सिस्टम है जो पहले चला करता था। कपड़ा भी छाते का ओरिजिनल है जो उस समय लगा था। गुजरे दौर के रहन सहन को देखना हो तो अमर धुनंदा की दुनिया में चले आइए। यहाँ गुजरे दौर के कैमरा, रेडियो, छाता, टेप के साथ साथ नक्काशियों वाला हुक्का और एक ही लकड़ी से बना चरखा भी है। वहीं चरखा जो ब्रितानी हुकूमत के दौर में जंग आजादी का हथियार था। देखिए कभी ऐसी हुक्के की चिलम, हवाई जहाज की शक्ल वाली चिलम नहीं देखी होगी आपने, और अगर देखी होगी तो अमर धुनंदा के इस संग्रहालय में ही देखी होगी। धुनंदा साहब के पास एक कबूतर की शक्ल वाली चिलम भी है। हुक्के के ऊपर चिमनियां लगी है, चिलम बोलते हैं, वो भी अपने आप में कला का नमूना है। इतना ही नहीं, अमर के इस अजायब घर में वन पीस चरखा भी है, वो चरखा जो कभी जंग आजादी का हथियार हुआ करता था। इस चरखे को अमर पंजाब के किसी गांव से लाए थे। चरखा करीब 110 साल पुराना है। ये इस चरखे को लेने के लिए मैं देहरादून से
अपनी गाड़ी लेके गया था पंजाब के गांव में, इंटीरियर गांव में। उसके जिसके पास चरखा था उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंका, तो उन्हें इसकी कीमत ही नहीं मालूम थी कि इसकी क्या कीमत है, इसका क्या। तो वहाँ से मैं चरखा लेके आया, उसके बाद मैंने संभाल करी इसकी, इसको ठीक ठाक जो करना था पॉलिश करी। तो ये चरखा वन पीस लकड़ी का बना हुआ है, इसकी खासियत तो ये है और 110 साल पुराना है। ये भी अपने आप में एक नायाब चीज़ है। ये मुमकिन है कि एक तबके को अमर साहब का अजायब घर अटपटा लगता हो, लेकिन मानव विकास में दिलचस्पी रखने वालों को अमर का संग्रह मील के पत्थर सा एहसास देता है। यहाँ विकास की रफ्तार को परखा जा सकता है। कहते हैं शौक बड़ी चीज है, और शौकीन मिजाज लोग अपने शौक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। शौक मशहूर हो जाए तो लोग भी शख्सियत में दिलचस्पी रखने लगते हैं। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है कि अमर धुनंदा के पास एक ऐसी हस्तलिखित रामायण भी है जिसे दुर्लभ कहा जा सकता है। धुनंदा के हिफाजती और संग्रही मिजाज को देखते हुए अमर धुनंदा को ये हस्तलिखित रामायण हासिल हुई। ये है रामायण, हाथ की लिखी हुई है। लगभग ये जो मुझे बताया गया कि 150 साल पुरानी रामायण है ये, और ये थी अमेरिका में किसी के पास रखी हुई थी। उन्होंने जब उन्हें मालूम चला कि भाई मुझे इन चीज़ों का शौक है, तो अमेरिका के दोनों पति पत्नी श्री सुनील रोहिला और उनकी पत्नी मृदुला रोहिला वो खुद आए थे भारत। जब भारत में आए तो उन्होंने मुझे जो है रामायण ये गिफ्ट करी थी कि आप इसे संभाल कर रखिए, हमारे बच्चे तो अमेरिकन हो गए, वो संभालेंगे नहीं, मैं संभाल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करी है। ये अमर धुनंदा के पास मौजूद हस्तलिखित रामायण में रंगीन चित्र भी है। धुनंदा की माने तो इस हाथ से लिखी इस रामायण में मोतियों जैसी लिखावट है, रंगों में कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं। धुनंदा कहते हैं रामायण के रंग तो तब फीके पड़ते जब इसमें केमिकल होता, ये तो कुदरती रंगों से बने हैं। वही धुनंदा लिखने वाले की भी जबरदस्त तारीफ करते हैं। खासियत इसकी है कि एक तो हाथ से लिखी हुई है, और लिखने वाले की जो हैंडराइटिंग है वो कमाल है। कहीं भी उसके शब्दों में कहीं शब्द की मोटाई ऊंचाई कहीं नहीं बदली, ऐसा लगता है किसी ने ये कंप्यूटर प्रिंट कर रखी हो। और जो उसमें शाही प्रयोग की गई है, वो शाही की शाइनिंग जो है उस समय 150 साल पुरानी रामायण की, आज उसकी शाही में भी शाइनिंग वही है। कहीं शाइनिंग में कमी नहीं आई, कहीं शाही धूमिल नहीं पड़ी। ये भी अपने आप में एक अजीब है कि क्या वो केमिकल इस्तेमाल करते थे। मेरा ख्याल से केमिकल थे ही नहीं, वो प्राकृतिक रंग थे, और प्रकृति तो अपना रूप कभी बदलती नहीं, इसलिए शाही ने भी अपना रूप नहीं बदला। जो उसके चित्र बने हुए हैं रंगीन, उन चित्रों में भी जो कलर इस्तेमाल हुए हैं वो भी नेचुरल कलर थे, प्राकृतिक रंग थे, उन्होंने भी अपना रंग नहीं बदला। तो प्रकृति रंग नहीं बदलती, रंग बदलते हैं आर्टिफिशियल चीज़ें जो आज प्रयोग की जा रही है। अमर धुनंदा के अजायब घर में बहुत कुछ है, आदमी की कलाकारी के नायाब नमूने भी और कुदरत की कारीगरी के बेजोड़ नमूने भी। यहाँ आपको एक बेशकीमती और कई खासियतों वाला शंख भी मिलेगा। शंख तो आपने बहुत से देखे होंगे, असली भी और नकली भी, वाममुखी भी और दक्षिण मुखी भी, लेकिन काला शंख नहीं देखा होगा। शंख समुद्र में मिलते हैं, कुदरत ही शंखों को सजाती संवारती है। बहरहाल अमर साहब के कलेक्शन में काला शंख भी है, और वो भी दक्षिण मुखी, जिसे दुर्लभ माना जाता है। काला शंख है, सफेद शंख तो दुनिया ने बहुत देखे होंगे, एक काला शंख अपने आप में दुर्लभ वस्तु है। एक शंख काला, ऊपर दक्षिण मुखी, वो कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, वो कहावत इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। ये शंख मुझे देहरादून के ज्वेल परिवार ने भेंट करा था। अमर धुनंदा कहते हैं उनको यह शंख तोहफे के तौर पर दिया गया था। देहरादून के चुहेल परिवार ने उनके संग्रह को देखते हुए उन्हें यह शंख गिफ्ट दिया, ताकि यह शंख हमेशा उनकी याद दिलाता रहे और धुनंदा साहब के संग्रहालय की शोभा बढ़ाते रहे। अमर धुनंदा के संग्रहालय में और भी बहुत कुछ है, उसे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं अमर का अजायब घर, जहां पुरानी चीजों का खूबसूरत संसार है। ऐसी चीजें जो हमारे गुजरे दौर की गवाह हैं, जो बताती हैं कि हमने तकनीक के तौर पर जबरदस्त तरक्की की है। देहरादून के अमर धुनंदा के पास सिर्फ कैमरे हों या फिर 100 साल से ज्यादा पुराना छाता हो या भारत पाक युद्ध की निशानी रेलवे सिग्नल हो, ऐसा नहीं है। अमर के पास रेडियो और ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर भी है। देखा है आपने रेडियो? अगर आप मोबाइल फोन में खोई रहने वाली नई पीढ़ी से ये पूछेंगे तो वो हाँ कहकर अपना मोबाइल फोन आपको दिखा देगा और अपने मोबाइल फोन के रेडियो को आपको दिखा भी दे। हालांकि उससे आप जी मार्कोनी के असली रेडियो के बारे में सवाल करोगे तो मुमकिन है उसने पेटी नुमा कपड़े वाले रेडियो ना तो देखा होगा और ना उसका नाम भी सुना होगा। बहरहाल अमर के इस संग्रहालय में ट्रांजिस्टर भी है, रेप रिकॉर्डर भी है और रेडियो भी। जिस दौर का रेडियो अमर के पास है, उस जमाने में रेडियो रुतबे की निशानी थी। रेडियो रखना और सुनना शाही शौक हुआ करता था। अमर को उम्मीद है कि फिलिप्स कंपनी का जो रेडियो मॉडल उनके पास मौजूद है, ये मॉडल शायद अब कंपनी के पास भी ना हो। हालांकि धुनंदा साहब को ये रेडियो उनके शौक को देखते हुए गिफ्ट में मिला था। रेडियो चालू हालत में है। अमर कहते हैं जब तक ये रेडियो उनके पास है, वो इसे देने वाले को कभी भूल नहीं सकते। ये रेडियो एक ONGC के रिटायर्ड ग्रुप जनरल मैनेजर थे उमाकांत त्रिपाठी, उनकी जब सैलरी थी करीब 400-450 रुपये, तब उन्होंने 650 वाला रेडियो खरीदा था। मतलब उनकी सैलरी से 1.5 गुना कीमत का ये रेडियो था, ये उनके पास रहा। तो उन्होंने भी मेरे शौक को देखते हुए ये मुझे गिफ्ट करा। आज भी एक रेडियो रनिंग कंडीशन में है, ये फिलिप्स का रेडियो है, तो हो सकता है ये मॉडल फिलिप्स कंपनी के पास भी आज अवेलेबल ना हो। अमर धुनंदा के संग्रहालय में सिर्फ रेडियो और ट्रांजिस्टर ही नहीं बल्कि ग्रामोफोन की रूमानी दुनिया भी है। एक नजर उस पर भी। पीतल का भोंपू, लकड़ी का स्टैंड और उस पर घूमते ग्रामोफोन के रिकॉर्ड, यही था 70-80 के दशक में संगीत की दुनिया। हालांकि 80 के आसपास भारतीय घरों में छोटी कैसेट वाला 2-in-1 टेप रिकॉर्ड भी आ गया था, लेकिन उस दौर से पहले भारतीय संगीत फोनोग्राफ रिकॉर्ड के जरिए ही गूंजा करता था। अमर के पास भारतीय संगीत के गोल्डन पीरियड के कई ऐसे दर्जनों फोनोग्राफ रिकॉर्ड हैं, जो गवाही देती है कि हमारा तब वजूद था और मौजूदा डिवाइस के दौर में गानों का वजूद है, उसके तामझाम का नहीं। अब लाखों गाने एक पेन ड्राइव में समा जाते हैं और तब 8-10 गाने ही एक रिकॉर्ड प्लेट में रहते थे। अमर धुनंदा के संग्रह में बहुत कुछ है। ओल्ड इज गोल्ड पर यकीन करने वाले अमर के पास गुजरे वक्त की किताबें हैं तो विश्व युद्ध के बाद नीलामी में खरीदी गई नक्काशीदार बेशकीमती मेज भी, तो वहीं सालों पुरानी लकड़ी की अलमारी भी। मेज और अलमीरा पर नक्काशी देखकर बेहिचक कहा जा सकता है कि बेशक हम आज तकनीक की दुनिया में शिखर पर हों, लेकिन हस्तशिल्प के मामले में हम गुजरे वक्त से हजारों कोस पीछे हैं। अमर धुनंदा के संग्रहालय में मौजूद इस अलमारी पर नजरें इनायत कीजिए, जरा इसकी नक्काशी को भी निहारिए। कितनी नफासत से लकड़ी में इन बेल बुटों को उकेरा गया है। वहीं लकड़ी की खासियत को भी देखो और मौजूदा वक्त के कांटे में तोलो तो एहसास होता है कि वो दौर बेहद ईमानदारी का था। उस वक्त चलताऊ काम नहीं होता था, कारीगर शिद्दत के साथ काम करते थे और अपनी गुडविल पर आंच नहीं आने देते थे। वहीं सालों पुरानी इस मेज को भी देखिए, कितनी महीन नक्काशी की गई है। कलाकारी देखकर साफ पता चल रहा है कि इसको कारीगर ने फुर्सत से अंजाम दिया होगा। नक्काशीदार मेज की सिर्फ इतनी ही खासियत नहीं, इसकी उम्र सुनोगे तो चौंक जाओगे। अमर साहब की माने तो ये मेज विश्व युद्ध के बाद नीलामी में खरीदी गई थी। जिन्होंने उसे खरीदा था, उनके बेटे ने ये मेज धुनंदा साहब को संभालने के लिए दे दी, ताकि उनके पिता की निशानी हमेशा जिंदा रहे। ये टेबल फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो बर्मा में ऑक्शन हुई थी। उस ऑक्शन में इस टेबल को एक ब्रिटिश आर्मी थे मेजर सुंदर सिंह खत्री, उन्होंने खरीदा था ऑक्शन में। सुंदर सिंह खत्री से टेबल उनके बेटे गोविंद खत्री के पास आई। गोविंद खत्री ने मेरे से प्रॉमिस कर रखा था कि टेबल मैं तुम्हें देकर जाऊंगा, किसी और को दूंगा नहीं। तो
तो उन्होंने अपना वादा पूरा करा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादगार टेबल मेरे पास है। जब भी इसको देखते हैं, आज आपके साथ बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन गोविंद सिंह खत्री का नाम भी आया है, उनके पिता मेजर सुंदर सिंह खत्री का नाम भी आया है। तो इसी बहाने हमने उनको भी याद करा। बहाना टेबल बनी, टेबल बेशकीमती है, के ऊपर जो कार्विंग हम रखी है वो अपने आप में कलाकारी का बेजोड़ नमूना है, जो शायद आज कितना किसी की भी कारीगर के पास संयम नहीं है, सब्र नहीं है कि इतना बारीक काम इतने तन में होकर कर सके कि वो इस ऐसी टेबल दोबारा बना सके। नहीं बन सकती, जो बन गई बन गई। गुजरे दौर के कई दस्तखत हैं यहाँ, बीते वक्त के कई गवाह हैं यहाँ, जो हमें बताते हैं कि कई हुनर ऐसे हैं जहाँ तक तुम अभी नहीं पहुँचे हो। यहाँ सहेजा हुआ कल आने वाले कल के लिए बेशकीमती है, जिन्हें देखकर आने वाली नस्ल बीते कैलेंडर को पहचानने की कोशिश कर सकता है और उससे बहुत कुछ सीख भी सकता है। यहाँ चेन वाली घड़ी है तो चिमनी वाला नक्काशीदार लैंप भी, ताला है तो तलवारें भी, वो तलवारें जो कभी जंग के मैदान में योद्धाओं की बाजों का इम्तिहान लेती थी, उसे रणबांकुरा बनाती थी। बहरहाल धुनंदा साहब के इस अजायब घर के खजाने को 200 साल पुरानी तलवार भी अमीर बनाती है। कहते हैं शौक बड़ी चीज है, लेकिन ये पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक बिरलों का ही होता है। अमर साहब के यहाँ कुछ ऐसी स्लाइड है जिन्हें पुराने जमाने में संचार का बेहतरीन साधन माना जाता था। पारदर्शी स्लाइड पर संदेश होता था और जन समुदाय को जागरूक करने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। वो स्लाइड है करीब 120 साल पुरानी। पुराने जमाने में जब सामाजिक कार्यकर्ता गांव में समाज को अवेयर करने के लिए जाया करते थे, तब इन स्लाइडों का प्रयोग किया जाता था। इसके पीछे लालटेन लगती थी, सामने कपड़ा सफेद लगाया जाता था, इस स्लाइड का रिफ्लेक्शन कपड़े पड़ता था। एक व्यक्ति इसकी कमेंट्री करता था कि फलाने स्लाइड जो है ये किससे संबंधित है, इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी है। उस समय भी नारा ये चलता था लड़कियों के प्रति, उस समय लोगों को जागरूक किया जाता था जैसे आज किया जा रहा है। लड़कियों को आगे बढ़ाने का भी कोशिश तब से जारी है। इसमें हमारे वो जिन्हें हम हीरो कह सकते हैं, जैसे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इन लोगों के बारे में बताया जाता था कि कैसे कैसे हमारे जो है पुराने ज़माने में राजा महाराजा ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसके अंदर रामायण का पूरी रामायण भी है स्लाइडों में, पूरी महाभारत भी है, प्रहलाद के ऊपर भी है, अरे कई चीज़ें हैं। और इसकी संख्या लगभग मेरे पास 120 अलग अलग तरह स्लाइड है आज की तारीख में। यूज एंड थ्रो के दौर में टिकाऊपन की अहमियत बताने वाला ये सामान हमारे और आने वाली नस्ल के लिए आईने की तरह है, जिसे देखकर हम अपने पुरखों की कारीगरी उनके हुनर से वाकिफ हो सकते हैं। बहरहाल धुनंदा का शौक उनकी पहचान है। अमर साहब की माने तो उनके परिवार को उनके इस खर्चीले शौक से कोई तकलीफ नहीं है, इसके लिए वो अपने परिवार का शुक्रिया भी अदा करते हैं। सबसे पहला सपोर्ट तो यही है कि मैं विरोध नहीं करती, है ना, और जो लेकर आते हैं उसको खुशी से स्वीकार करती हूँ कि हाँ जो भी ले आए बहुत अच्छी बात है, बढ़ रहा है, और जो शौक है उसको आगे बढ़ाओ। तो ये सपोर्ट पहले है। और दूसरा ये है कि जैसे पुरानी चीज़ देख रहे होंगे ब्रास का है तो उसको चमकाना वगैरह है, थोड़ा सा धूल वूल साफ़ करनी है, तो ये चीज़ तो करना ही पड़ता है ना, और कर भी रही हूँ और खुशी से कर भी रही हूँ, है ना, क्योंकि अच्छा लगता है। इतना सपोर्ट मिलता है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं कुछ और ले के आऊँ ताकि ये कुछ तो परेशान हो, पर ये परेशानी नहीं होती कि भाई वो उत्साह बढ़ाती है हमारा कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी लाए, कभी कुछ और चीज़ मिलती तो वो भी लेके आना। ये सपोर्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा है। सारी मेंटेनेंस साफ सफाई करनी पड़ती है, मैडम ही करती है, कि मैं तो अपने शॉप पर चल जाता हूँ या अपने सोशल वर्क हाउस में बिजी रहता हूँ, बाकी इसका केयर करनी है, सफाई करनी है, धूल मिट्टी साफ करनी है, सब मैडम ही करती है।
अमर साहब की माने तो आने वाले वक्त में वो अपने सामान का संग्रहालय भी बनाना चाहते हैं, ताकि नए दौर में खोई दुनिया, पुरानी दुनिया उसके समाज और उसके अंदाज को समझ सके। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम शौक बड़ी चीज है। फिर मिलूंगी आपसे किसी दूसरी खास खबर के साथ। आप बने रहिए नेपाल वन के साथ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।